सोयाबीन की कीमतों में आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दीपावली के बाद कुछ हद तक दरें स्थिर हुई हैं। किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब सोयाबीन का सही भाव मिलेगा, तो वहीं लातूर के कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की कीमतों में पहली बार बढ़ोतरी देखी गई है। जहां पहले 5200 के भाव से बिक रहा था, वहीं कीमतों में 300 रुपए की बढ़त देखी गई है। 5500 रुपए का भाव किसान को सोयाबीन का मिला है, जिससे सोयाबीन उत्पादकों में अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है। अगर सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो भंडारण से किसानों को और फायदा होगा। हालांकि दीपावली के बाद बाजार में तस्वीरें बदल रही हैं और सोयाबीन की कीमतों ने न सिर्फ स्थिर है बल्कि बढ़ भी रही है। सोयाबीन उत्पादकों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस साल केवल क्षणिक सोयाबीन की कीमत 11,000 रुपए थी। इसके बाद से सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट ही आ रही थी। बीते हफ्ते पहली बार सोयाबीन की कीमतों में 300 रुपए की तेजी आई है। वहीं लातूर कृषि उपज मंडी समिति को 11,000 क्विंटल सोयाबीन का आवक देखा गया। दीपावली के अवसर पर लातूर कृषि उपज मंडी समिति 8 दिनों के लिए बंद रही थी। पड़वा फेस्टिवल पर जिस दिन व्यापारियों ने बाजार खोला था, उस दिन सोयाबीन की कीमत 5200 रुपए थी। तब से दरों में सुधार हो रहा है, कीमतें 5500 तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा पिछले 5 दिनों में दरों में कमी नहीं आई है। किसान यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कपास की तरह ही सोयाबीन की कीमतों में भी सुधार हो। लातूर कृषि उपज मंडी समिति में हर दिन 40 से 50 हज़ार क्विंटल सोयाबीन की आवक होती है, लेकिन इस साल दरों में गिरावट के चलते भी आवकों में भी कमी आई थी। किसानों ने सोयाबीन भंडारण पर जोर दिया था। नतीजा ये रहा कि इस दौरान दरों में बढ़ोतरी के बावजूद 11,000 क्विंटल ही प्राप्त हुआ। अब देखना ये होगा कि बेहतर दरों को देखने के बाद इन में बढ़ोतरी होगी या नहीं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।